हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तानी इन जापान। तो आज हम आए हैं माउंट तकाओ। तो आज हम लोग हाइकिंग करने वाले हैं माउंट तकाओ की भाई के साथ, टीपू भाई के साथ। हाय फ्रेंड्स, या सो आज हम लोग माउंट तकाओ पहुंच चुके हैं। हमने आपको सफ़र नहीं दिखाया है बिकॉज यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम नेक्स्ट वीक जाने वाले हैं माउंट फूजी की हाइकिंग के लिए। तो अभी हम चलते हैं आज की हाइकिंग के लिए। तो जब हाइकिंग के लिए हम जाएंगे तो हमें यहाँ मैप मिलता है। इस मैप को आप अच्छे से स्टडी कीजिए और आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेल हैं। ट्रेल 1, 3, 4 बेस्ड ऑन कलर इट इज़ डिफरेंट। एंड इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने वाली, डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस है वहाँ पे ऊपर जाने का इन ईच ट्रेल। वो जब आप डिस्टेंस चेक कर लेंगे, सेकंड चीज़ आएगी आपकी कितना टाइम लगेगा आपको। ये जो टाइम वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है बिकॉज ऑफ कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। अभी हमने ट्रेल 6 सेलेक्ट किया है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल 3 है और इसके रास्ते में हमें एक वाटरफॉल भी दिखेगा। तो ये रीज़न है हमारा इसको सेलेक्ट करने का। और वापसी में हम देखेंगे कि कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल जिसका ज़्यादा होगा वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये भी हो सकता है इसमें 110 मिनट लगेंगे बिकॉज माउंट फूजी में नीचे उतरना मुश्किल होने वाला है एज़ पर सजेशन जो हमारे फ्रेंड से मिला है। तो हम चाहते हैं कि सबसे डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग वाला रिटर्न में हम सेलेक्ट करें। तो अभी हमने सेलेक्ट किया है ट्रेल नंबर 6। तो अभी हम दिखाते हैं आपको कि कैसा रहेगा ट्रेल नंबर 6 का एक्सपीरियंस। चलो चलते हैं। तो यहाँ से हमारी हाइकिंग स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं, लोग सुबह सुबह आ जाते हैं 5-6 बजे और हाइकिंग करके आ जाते हैं। काफ़ी हंसते आ रहे हैं। हाँ, हर पॉइंट पे आके आपको मैप देखना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा कि कैसे जाएंगे आप। यहाँ सब लिखा हुआ है कि किस ट्रेल को कितना किलोमीटर है और कितना टाइम लगेगा हाइक करने में। यहाँ शॉप्स वैसी खुली हुई हैं पूरी। वापसी में आप यहाँ से सुवेनियर ले सकते हैं। और ये है केबल कार की एंट्रेंस। राइट साइड जाओगे तो ये आपका 6 वाला है, बीवाताकी फॉल वाला आएगा। तो हम लोग यहाँ से चलना चाहिए। ये है यहाँ की केबल कार का एक्सपीरियंस, टोक्यो 2020 इस पर भी लिखा हुआ है। अभी निकलेगी यहाँ से, आगे से दिखाते हैं आपको। तो अगर आप यहाँ आओ तो आप इस केबल कार का भी इंजॉय कर सकते हो। ये आपको सीधा ऊपर तक ले जाएगी माउंट तकाओ तक। और हमारी तरह अगर हाइकिंग करना चाहते हो तो ऐसे इस रास्ते से जा सकते हो। ब्यूटी अच्छी है, जिंदगी काफी है। हम लोग अपने ट्रैक के इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, अब हम यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। सही है, सो फार सो गुड। यहाँ से असली में हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जहाँ से कच्चा रास्ता आएगा। अभी तक तो हम पत्थर वाले रोड पर आए हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। थोड़ी थोड़ी सांस चढ़नी शुरू हो गई है बिकॉज सीधी चढ़ाई थी ये। अब आगे थोड़ा और इंटरेस्टिंग रहेगा। मज़ा इस बात का है कि साइड में ठंडा पानी चलता जा रहा है। काफ़ी ठंडा मौसम है, मौसम भी हमारा साथ दे रहा है आज। नहीं तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी जिस बीच पे हम गए थे वहाँ जहाँ पे बारबेक्यू किया था, बहुत गर्मी थी। तो आई वॉन्ट सजेस्ट इस टाइम पे आप बीच पे जाके बारबेक्यू करो, रादर कम टू दीज माउंटेन्स, दैट इज़ बेटर ऑप्शन। जब आप ट्रेल नंबर 6 यूज़ करेंगे तो यहाँ पर रास्ते में आपको मिलेगा बीवाताकी फॉल। तो आपको दिखाते हैं कि कैसा है वाटरफॉल। ये बीवाताकी फॉल, दिस इज स्मॉल फॉल बट लुक्स नाइस। कोरोना से पहले आप अंदर तक जाके देख सकते थे लेकिन आजकल बंद किया हुआ है। तो ये वाली जो स्टेयर्स हैं ये ट्रेल 1 पे जाती है फ्रॉम बीवाताकी वाटरफॉल। तो हम ट्रेल 1 पे नहीं जाएंगे, विल मूव बैक एंड वहाँ से ट्रेल नंबर 6 पे वापस अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो हम वापस अपने ट्रेल नंबर 6 पे। नाइस नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल है, देखो। वाव, एक्चुअली क्या है, टेंट लगा रखे हैं बिकॉज ऊपर से लैंडस्लाइडिंग का डर है। तो उन केसेस में इन्होंने इस तरह से टेंट लगा रखे हैं। अच्छा कवर किया हुआ है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है। धीरे धीरे रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है, तो आप ट्रैकिंग सूज ही पहन के आए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लीपी है यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली क्या है कि बीच बीच में लकड़ी का आ जाती है, अगर लकड़ी गीली होगी तो फिसलेंगे। पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो जो पत्थर हैं वो भी फिसलने हैं। कुछ काई जमी हुई है, देखो जैसे यहाँ पे पत्थरों पे काई जमी हुई है तो यहाँ पे भी स्लिपरी हो जाएगा। और अगर आज बारिश हो गई तो 100% हमारे लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है नीचे आना। तो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी कहाँ तक हम जा पाते हैं।
हाँ, यहाँ ब्रिज बीच बीच में ब्रिज भी बनाए हुए हैं, कंडीशन देख के कि यहाँ से लैंडस्लाइड हुई होगी तो ये ज़मीन चली गई होगी। वो देखो नीचे, ये यहीं से आगे वाटरफॉल है आपका। कुछ लोग थक गए हैं तो वो लोग रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लोग बहुत आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि खाली है माउंट टकाओ। काफ़ी लोग आज हाइकिंग कर रहे हैं, आज का दिन भी अच्छा है। बट एक ख़ास बात यह है, यहाँ पे पेड़ बहुत है तो किसी दिन गर्मी भी होगी ना तो यहाँ पर आपको धूप नहीं मिलेगी ज़्यादा, तो आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है तो वो छोटा वाला फ़ैन लेकर आए, USB वाला, वो अच्छा रहेगा। यहाँ बीच बीच में थोड़ा सा कीचड़ भी है तो यहाँ अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चढ़ने के लिए। एक्चुअली एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी इस ट्रैक पे, यहाँ लिखा नहीं हुआ कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। उससे एक्चुअली एक मोटिवेशन रहता है, अच्छा हमने 3.5 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर कर लिया तो 1/3 हो गया, तो वो सब चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे। आउट ऑफ 14 पॉइंट्स हमने 9 कवर कर लिए हैं, तो मोर देन 50, तो ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग माउंट तकाओ। ऐसे ही चलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि कितना ईजी है कितना डिफ़िकल्ट है माउंट तकाओ चढ़ना। टाइम टू टाइम ये लोग ब्रिज बनाते रहते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए इस रूट पे लोगों को जाने की। ऑल सीज़न हाइकिंग होती है तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, पत्थर पत्थर वाला रास्ता, पर छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं देखिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी अच्छे से हाइकिंग है। नंबर 12, सिर्फ 13 और 14 रह गया, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ से चढ़ते हुए 12 नंबर पे आए, 13, 14, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ऊपर से कोई आ रहा है तो आप रुक जाइए, बिकॉज ऐसे पैसेज पे दो लोग एक साथ हो जाएंगे तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो जापनीज कल्चर यहाँ बहुत काम आता है कि एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करें। यदि इसको डायरेक्ट चढ़ सकते हैं तो माउंट फूजी हमारे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। लिटिल डिफ़िकल्ट, हाँ, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ रहेगा, हाँ, लेकिन वहाँ हम ऐसे एक बारी में नहीं चढ़ पाएंगे। हमें माउंट तकाओ आने का प्लान किया था, राइट, गुड, ये डिसीजन अच्छा है, अच्छा रहा। बट हमें यही देखना है कि कौन से वीक में हम माउंट फूजी पर जाएँ, बिकॉज अगर वेदर ख़राब होगा तो जो मेन पर्पस है माउंट फूजी पे जाने का, सनराइज़ देखने का, वो मिस हो जाएगा, और हम उसी के लिए तो जाते हैं माउंट फूजी। एक और स्टॉप पे पहुंच गए हम लोग, नंबर 13, हम यहाँ 13 नंबर पे पहुंच गए हैं, ओनली 1 पॉइंट एंड देन मेन सेंटर। जिनके पास मास्क नहीं है वो हाथ पे टावल रख लेते हैं। मास्क ऐसा ऊपर चढ़ना और मास्क लगाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ती है और ऊपर से मास्क पहना हो तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। बट छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, देखो आप लोग ला सकते हैं अपने बच्चों को, अगर 10 साल से बच्चा बड़ा है तो ईजिली यहाँ पर हाइकिंग कर लेगा। प्लीज़ प्लान कीजिए कोई वीकेंड यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अगर आपका बच्चा 10 साल से बड़ा है, एंड इट्स अ ऑसम एक्सपीरियंस। बच्चों की मसल्स भी स्ट्रांग होंगी इससे। हाँ, ये लोग पहले जा चुके हैं तो बोल रहे हैं ये इंटरेस्टिंग है, तो आप आओ तो नंबर 6 करना, इंटरेस्टिंग वाला ही, क्योंकि यहाँ पे नदी में से आपको राइट पानी बहुत मिलेगा यहाँ पे, क्रॉस करके जाना है तो आप रिवर का भी मज़ा ले सकते हैं, राइट, ट्रैकिंग का भी, करेक्ट। कोनिचिवा, 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 ऐसा नहीं है कि जापानीज़ लोग बात नहीं करते हैं, ये लोग भी इंटरेक्ट करते हैं, सो दे आर ऑल्सो नाइस पीपल। इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह के लोग मिलते हैं। अच्छा, 596 मीटर है ना हाइट इसकी माउंटेन की, तो भाई वही बोल रहे हैं कि 500 मीटर तो हमने कवर कर लिया हाइट का,
और डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर के अराउंड हो गया है, 300 मीटर ही रह गया। अब स्टेयर्स आएंगी, देखिए वुडन स्टेयर्स। इनको कैप्चर करते हुए देखिए प्रॉपर यहाँ पे आके देखिए स्टेयर्स बना के दिए हैं, और क्या चाहिए आपको, इतना सॉलिड स्टेयर्स है। राइट, कम से कम 1000 स्टेयर्स होंगी, तो अगर आप आ रहे हैं स्टेयर्स का भी अच्छा प्रैक्टिस करके आइए। एक्चुअली इस रास्ते पे उतरने में तो इजी रहेगा, लेकिन चढ़ने में डिफ़िकल्टी है, बट ऑलमोस्ट पहुंच गए अभी तो हम टॉप पे। दूसरा इशू इन स्टेयर्स का ये है कि इक्वल साइज़ की नहीं है ये, तो यू नो आपको स्टेयर्स देखते चलते रहना पड़ेगा, अदरवाइज गिर सकते हैं आप। अभी सांस फूलने लगा है, हम रुके नहीं है, 3.5 किलोमीटर सीधा चढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो भी माउंट तकाओ जाने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं 14th नंबर में, यहाँ पे जो है इससे ऊपर बस सीधा स्टेयर्स से ऊपर टॉप पे पहुँच जाएंगे, तकाओ के टॉप पे। ये देखिए ये स्टेयर्स ही रह गई बस, इसके बाद सीधा ऊपर, और यहाँ हम पहुँच गए, स्टेयर्स यहाँ तक ख़त्म होती है। तो अभी स्टेयर्स ख़त्म हो गई हैं ये सारी, अब नॉर्मल रास्ता शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए अरेंजमेंट है अगर आप बैठना चाहें। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो नीचे से ही अरेंजमेंट करके आइए, पानी का या थोड़ा बहुत खाने का, बिकॉज़ रास्ते में कोई आपको पानी वाला नहीं मिलेगा, कोई स्नैक्स वाला नहीं मिलेगा। ऊपर जाके अभी हम बताते हैं अगर ऊपर कुछ स्नैक्स का है तो। ये जो है सेंटर एरिया है टॉप ऑफ माउंट तकाओ, आप जौन सा भी ट्रेल यूज़ करेंगे, चाहे आप ये वाले ट्रेल से आ रहे हैं, ग्रीन से आ रहे हैं, पर्पल से आ रहे हैं, ब्लू से आ रहे हैं, यहीं आकर आप एक सर्कल पर मिलेंगे, वहाँ से आप माउंट तकाओ के टॉप पर जा सकते हैं। थर्ड ट्रेल हो गया, ये सब आके यहीं मिलते हैं, 6th, 5th, 3rd, 3 ट्रेल आके यहाँ मिलते हैं, तो बढ़िया है, सो फार सो गुड। तो पीक ऑफ माउंट तकाओ जाने के लिए प्रॉपर रास्ता है भाई, अब नॉर्मल रास्ता है, अभी इतना डेंजरस नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये तो माता वैष्णो देवी की चढ़ाई भी हम लोग करती हैं। तो केबल कार का स्टेशन ये है, तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहीं तक सीधा पहुंच जाएंगे, और उसके आगे आप पैदल थोड़ा सा चल सकते हैं। हम लोग 228 यानी कि ऑलमोस्ट 230 तक आ गए हैं, और हम लोगों ने 115 पे स्टार्ट की थी, 230 तक हम यहाँ पहुँच गए, तो 1 घंटा 15 मिनट हमें लगा यहाँ तक आने में, तो दिस इज़ नॉट टू मच। अगर बिना रुके आप आएँगे तो 3.3 किलोमीटर के ट्रैक को भी आप 1 घंटा 15 मिनट में कवर कर सकते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं माउंट तकाओ के टॉप पे, ऐसा दिखता है, अभी हम दिखाते हैं यहाँ से जो व्यूज़ नीचे के दिखेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। मज़ा आया, मज़ा आ गया, फाइनली हम लोगों ने माउंट तकाओ कवर किया, 1 आवर 15 मिनट्स ऑलमोस्ट। राइट, नाइस, मज़ा आ गया, बिना रुके आए हैं, ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, कि बिना रुके आए हैं, बिना रुके आए, कहीं भी हमने स्टॉप नहीं किया, स्टॉप नहीं किया। राइट, तो दैट इज बेस्ट, बिग अचीवमेंट फॉर अस, फर्स्ट लेवल पे, यस, फर्स्ट स्टेज हमने कवर कर लिया माउंट तकाओ क्लाइंब करने का, दिस इज माय फर्स्ट माउंट क्लाइंबिंग। राइट, फॉर मी ऑल्सो, ऑल्दो मैं 3 साल से हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने माउंट क्लाइंबिंग किया है जापान में, इंडिया में किया है बट यहाँ पे पहली बार किया है। बट अच्छा है अगर हमने ये कर लिया तो थोड़ी डिफिकल्टी के साथ हम माउंट फूजी भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, आई एग्री कि थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी रह सकता है, लेकिन करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग, वी आर मोटिवेटेड। यस, चलो अब आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाते हैं, यहाँ से कैसे दिखते हैं। Started facing at a photo they've taken, space street flying through the skies and petals happen everywhere. अभी हम लोग माउंट तकाओ के टॉप पर तो आ चुके हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से भी आगे जाना चाहते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पर ऑप्शंस आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे मोमी जी दाई, इस्टो दायरा, माउंट कोबोको, शिरोयामा, 60 मिनट लगेंगे यहाँ से, एक ये माउंट कागे नोबू है, माउंट जिम्बा है, ये 5 घंटे लगेंगे, तो काफ़ी दूर है यहाँ से, कई कई माउंटेन्स का कनेक्टिविटी है आपस में, माउंटेन ये सारे कनेक्टेड है यहाँ पर देखेंगे अगर तो आप, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर हैं माउंट तकाओ के टॉप पर, तो अगर आप चाहें तो बाकी माउंटेन्स भी कवर कर सकते हैं, बट आपको सफिशेंट टाइम लेके आना पड़ेगा तभी आप ये सब कवर कर सकते हैं। शिरोयामा जाने का हमने प्लान किया है, यहाँ से 1 घंटा लगेगा, तो अभी हम आपको वहाँ दिखाते हैं कैसा व्यू स्टार्ट होगा।
तो हम लोगों ने कहा सफ़र था कि यहाँ तक आना था, लेकिन हमने कहा ये तो बहुत ईजिली हो गया, तो वी शुड मेक इट डिफ़िकल्ट। तो अभी हम लोग एक और नेक्स्ट माउंटेन पर जा रहे हैं जो यहाँ से एक घंटा दूर है, और आना में एक घंटा, तो दो घंटे भी हमें और लगेंगे। बट हमें सनसेट से पहले नीचे उतरना है हमारी गाड़ी के पास, तो विल गो फास्ट हियर। शिरोयामा ये लिखा है ना, 2.3 किलोमीटर। हाँ, तो यहाँ अभी हम लोग 0.2 किलोमीटर आ चुके हैं माउंट तकाओ से, और हमें 2.3 किलोमीटर और जाना है। पर ये वाला रास्ता भी थोड़ा डिफरेंट है, ये इसमें प्लेन रास्ता है और स्टेयर्स लगाई हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये है कि ग्रीनरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम माउंटेन के हाई उस पर हैं, टॉप पे, तो ऊपर से कोई भी छाँव नहीं आ पा रही है। माउंट तकाओ हमारा यहाँ 0.9 किलोमीटर रह गया, तो हमने 0.9 किलोमीटर कवर कर लिया है। हमारा जो शिरोयामा है वो 1.6 किलोमीटर है। ये नीचे वाला है ना 0.6 किलोमीटर, एक स्टॉप तो अभी आ जाएगा बस, 1.6 रह गया है, तो ऑलमोस्ट हमें लग रहा है आधे घंटे में हम कर लेंगे। वापसी में लगने वाली है कम से कम सवा घंटा, डेढ़ घंटा लगने वाला है। कोनिचिवा, अभी बताओ कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस आपको? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बट वी विल डू। एक्चुअली माउंट तकाओ तक तो हम इजीली आ गए, यहाँ खड़ी चढ़ाई है, और जो भी पीछे खड़ी उतराई हमने देखी थी, अब सीढ़ियाँ चढ़नी भी पड़ेंगी, तो अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, सांस चढ़ रही है, और यहाँ धूप भी सीधी लग रही है, तो ऐसा हवा भी नहीं है, तो ये वाला डिफ़िकल्ट है। शिरोयामा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो अगर करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा एंड टाइमली कीजिएगा। हम लोग रिस्क ले रहे हैं कि सनसेट होने से पहले पहुँच जाए नीचे गाड़ी तक। हम लोग माउंट तकाओ से 1.6 किलोमीटर आ गए हैं, अब सिर्फ 0.9 किलोमीटर रह गया। आई गेस एक पॉइंट तो यही है, बी पॉइंट, जिसके लिए लोग आते हैं, यही है। हाँ, वही पॉइंट है ना ये, तभी बैठने का भी अरेंजमेंट है यहाँ पे, और वॉशरूम वॉशरूम वगैरह भी बने हैं, पानी का भी अरेंजमेंट है। ये देखो यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट है, तो इट्स गुड प्लेस टू कम। अभी हम लोग माउंट तकाओ से 2.3 किलोमीटर आ गए हैं, और सिर्फ 0.1 किलोमीटर रह गया हमारा शिरोयामा। ये वहाँ पे हमें रेड कलर का एक फ्लैग दिख रहा है, वही है हमारा शिरोयामा। अभी हम लोग हैं शिरोयामा माउंटेन पे, तो यहाँ पर हम लोग जब आए हैं तो यहाँ पर देख के हमें बहुत खुशी मिल रही है कि यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है एक्चुअली। तो जो लोग भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर, खाने का भी काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है जो यहाँ पर खाने को फैसिलिटीज़ दे रहा है, ड्रिंक्स वगैरह सब मिल रही हैं यहाँ पर, और बट 4 o'clock तक ही है जैसे भाई ने बताया, तो आप लोग टाइम पर ही आएँ, सुबह सुबह आप आ जाइए और शिरोयामा तक आइए। जो व्यू है मैं भी आपको दिखाता हूँ व्यू कैसा है, इस व्यू के लिए यहाँ आना वर्थ इट है, तो प्लीज़ यहाँ आइए देखिए व्यू को। तो इसी के साथ शिरोयामा माउंटेन हमारा हो गया, हमने यहाँ पे हाइकिंग कर ली, अब टाइम है घर जाने का, तो अभी यहाँ से हम नीचे उतरने लगे हैं, और पहले आएगा माउंट तकाओ और फिर हम जाएंगे घर पे। ऐसी मिलेंगे सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर तोड़ने का मन करेगा, तोड़ने का नहीं, सिर्फ फ़ोटो क्लिक करने का। माउंट तकाओ से बेटर व्यू है ऊपर का। हाँ, माउंट तकाओ से कैसा है ना कि नहीं दिखता है, आगे पेड़ आ जाते हैं, सिर्फ पहाड़ दिखते हैं एंड वो स्लोप नहीं दिखता है, तो मज़ा नहीं आता है। हाँ, शिरोयामा का सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा बेटर है। यहाँ से शिरोयामा ऊपर था। अरे गातो ने, यू आर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जापान? टोक्यो। टोक्यो, ओ शिनागावा। शिनागावा, वाताशी वा कावासाकी। कावासाकी, हाय। कावासाकी रखते हैं हमने। You do usually do hiking? Hiking, yes. How frequently I you go? I always running. Running. And sometimes I come. So have you been to Mount Fuji? Yes. From the sea to Mount Fuji. Top of the mountain. Oh. 17 hours. Ah. Oh. Started at 6 p.m.
6 PM at night, run and walk. So we reached Mount Fuji at 11 o'clock in the afternoon. In the morning. In the morning, yes. 11 o'clock. Okay. From the sea. I ran and walked to the top of the mountain. Okay. See which part of the sea? Which part of the sea? 2 hours. Shizuoka Beach. Okay, you started from Shizuoka Beach. Yes. At what time? Fujinomiya. Walk. Fujinomiya. You run. Ran and run. Through night. So it took around 17, 18 hours. 17 hours. But other people, other running people, 12 hours. Some people took 12 hours. Very fast. How old are you? 73. Very nice. Still strong. 73 की एज में भी इन्होंने शिजुओका बीच से माउंट फुजी क्लाइम किया 17 आवर्स में. Indian movies are very nice. You saw? I saw. Which movie? One is Three Idiots. Yeah, it's very famous in Japan. Yeah, very famous. हम लोग माउंट टकाओ वापस आ चुके हैं शिरोयामा से और अब हमारे पास वही ऑप्शन वापस से आ गए कि नीचे जाने के लिए भी चार ट्रेल हैं. ये फोर्थ ट्रेल इधर जा रहा है, फर्स्ट ट्रेल इधर जा रहा है, उधर सिक्स ट्रेल जा रहा है. तो अभी हमें ये देखना है कि किस ट्रेल से जाएं. तो फोर्थ ट्रेल से तो हमारा मन नहीं कर रहा है, रीज़न बीइंग कि वो स्लिपरी रोड है तो उससे कोई हमें एडवांटेज नहीं मिलने वाला है और अगर गिर गए तो वैसे भी फिसल गए तो जा नहीं पाएंगे नेक्स्ट पे. तो देखते हैं इधर वाला रोड कैसा है. ये केबल कार स्टेशन ये वाला है, थर्ड ट्रेल है. सिक्स एंड थर्ड दोनों यहाँ से आते हैं तो इस पे चलते हैं, उससे वापस हम नीचे थर्ड वाले पे हो जाएंगे. वहाँ पे मोड़ पे जाके थर्ड वाला नीचे चला जाएगा, वहाँ शिफ्ट कर लेंगे. तो अभी थोड़ा थर्ड वाले ट्रेल से चलते हैं. सिक्स वाला ट्रेल देख चुके हैं हम लोग तो अब नया अच्छा था, बट वो भी काफ़ी बढ़िया था. स्टेयर्स से जाना पड़ेगा उसमें तो बहुत ज़्यादा, तो कोई वर्थ इट नहीं है उसको जाना ना. नीचे उतरना स्टेयर्स से कोई मज़ेदार नहीं है. वी शुड सी समथिंग एल्स. तो हम यहाँ से जा रहे हैं. वी आर हियर. दिस वे इज नॉट सो हार्ड. दिस वन. ओके. And you can find the temple. Okay. About 5 minutes. Yes. 5 minutes. About 5 minutes. Hi. You can find the temple and then go down. Okay. Thank you. This is shortest route, I think. This is shortest. Shortest. Yeah. Thank you. Thank you. Bye bye. कितना बड़ा पेड़ है, कितना मोटे हैं सारे पेड़. एक नहीं है, तीन चार हैं. वो भी वो देखो भाई, उससे भी बड़ा है भाई साहब. कितने बड़े बड़े हैं ये, बरगद के पेड़ के बराबर के हमारे. करना है इसको भी कवर कर लो. हाँ बट यहाँ पर एक टेंपल भी है, यहाँ से एंट्री है उसकी. यहाँ पे हमेशा जितने भी टेंपल होते हैं उनके आगे ये शेर बने होते हैं. ये ऊपर जाके टेंपल है और जाए थे चार सीढ़ियाँ. दिस इज द टेंपल, माउंट तकाओ का टेंपल. ये है मंदिर की बाउंड्री. केबल कार स्टेशन 0.3 किलोमीटर, सेकेंड एंड फोर्थ ट्रेल माउंट तकाओ 2 और 4. यहाँ से भी नीचे उतर सकते हैं और यहाँ तो सिर्फ 300 मीटर पे अपना वो केबल कार वाला आ जाएगा. ठीक है ना, तो इधर से ही चलते ना. यहाँ पे मंकी पार्क भी है, टाइमली आएंगे तो आप देख सकते हैं. यहाँ पे इसकी जो लास्ट एंट्री है वो 330 पे है और बहुत ही सस्ता है, आपको सिर्फ 100 येन में मिल जाएगा. इसकी टिकट 100 येन की है मंकी पार्क की. यहाँ आओ और इन्जॉय करो, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये एरिया. किड्स शुड कम हियर. अब हम नीचे उतरने लगे हैं. यहाँ से है तकाओ सानगुची स्टेशन 2.4 किलोमीटर, यहाँ से हमें नीचे जाना है. अभी ये जो हमने माउंट तकाओ
याकुओइन टेंपल देख कर आए हैं जो इधर ऊपर था। तो आप लोग आओ तो इस टेंपल को ज़रूर देखो। और टेंपल में जाने से पहले ये वाला मंकी पार्क है ये देखो, उसके बाद टेंपल पे जाओ और फिर यहीं से वापस आ जाओ। और ये व्यू मत मिस करना, दिस व्यू इज फैंटास्टिक। Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. नीचे उतरते उतरते काफी सारे छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। जनरेटर भी लगा रखा है उन्होंने। अब यहाँ से हमें देखना है कि कौन सा रास्ता लेना है। ये है हमारा तकाओ सानगुची स्टेशन 1.5 किलोमीटर पे। वी हैव टू गो स्टेशन दिस वे। आओ भाई नीचे जाते हैं, नीचे जाना नीचे। हाँ हाँ ये ना, ये लिखा है ना तकानो सानागुची स्टेशन, दिस स्टेशन। आज वही है ना स्टेशन, इधर ही है। इधर ही आना है ना अपने को। हाँ यही है ना अपनी तरफ। भाई सीधी नीचे आई है, आते बार टाइम लोगों के लिए सीधी चढ़ाई है, जैसे वो भैरव का मंदिर नहीं है सीधी चढ़ाई वैसे वाली। तो हम लोगों की ये एरिया थोड़ा पेन कर रहा है क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेक मारते हैं तो हमारे यहाँ पे प्रेशर आता है, तो दिस इज पेनिंग। तो इसमें पेन हो रहा है तो इसलिए हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कोई लिगामेंट टियर ना हो जाए। एक ही शॉप ओपन है, बाकी सब शॉप बंद हो चुकी हैं। जब हम आए थे तो काफ़ी शॉप्स ओपन थी। 6:30 हो चुके हैं और 1800 कैलोरीज बर्न कर दी हमने, इट्स अ रिकॉर्ड फॉर मी। और सब बंद है अभी इस टाइम पे। जापान का यही है कि कोरोना के चक्कर में एमरजेंसी लगी है टोक्यो में और सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है। इसी के साथ हमारी चढ़ाई ख़त्म हो गई, हाइकिंग हो गई कंप्लीट। यहीं से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया था पॉइंट से। और ये इधर हमने खाना लिया था, पिज़्ज़ा, ऊपर पिज़्ज़ा मिलता है किसी को अगर टेस्ट करना हो। अच्छा लग रहा था मुझे दिखने में। और ये हमारा मैप जिसको हमने एक्सप्लेन किया था आपको। तो अब हम निकलेंगे कावासाकी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।